ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की पांच बड़ी खबरों का। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी पर भाजपा के षड्यंत्र में साथ देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ऐसी सरकार है जो टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग करवाती है, लेकिन भाजपा ने षड्यंत्र करके 30 टीचर को ट्रेनिंग में नहीं जाने दिया और आगे भी नहीं जाने देंगे। एलजी से विनती है कि दिल्ली की एजुकेशन को बर्बाद करने के भाजपा के इस षड्यंत्र में साथ ना दे। तो वहीं इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तंज कसते हुए कहा कि आपने मुझे विदेशों में जाने से रोका, पर शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दीजिए, उन्हें मत रोकिए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को हम विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजते रहे हैं। दिल्ली की शिक्षा क्रांति में इसका बड़ा योगदान भी रहा है। इन्हें विदेशों में ट्रेनिंग के लिए जाने से रोकना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर करप्शन का आरोप लगाते हुए कहा कि करप्शन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी ने एक और भ्रष्टाचार किया। सीसीटीवी प्रोजेक्ट में 16 करोड़ की पेनल्टी लगी थी, उस पेनल्टी को वेव ऑफ करने के लिए आम आदमी पार्टी के मंत्री ने 7 करोड़ की रिश्वत ली, जो बेहद शर्म की बात है। खंजावला केस पर पुलिस अब हत्या की धाराएं जोड़ने पर विचार कर रही है, जिसको देखते हुए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करते हुए दिल्ली पुलिस पर तंज कसा और कहा कि अंजलि की हत्या केस को 13 दिन के बाद भी जाकर दिल्ली पुलिस इस मामले में हत्या की धाराएं जोड़ने पर विचार कर रही है। पूरा देश चीख रहा था, लेकिन पुलिस ने अपना ढीला रवैया नहीं छोड़ा। ऐसी जांच से क्या अंजलि को कभी न्याय मिल पाएगा? अशोक विहार इलाके में कंधा टकराने पर पड़ोसी ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहा आरोपी एक रिक्शा चालक से टकरा गया। रिक्शा चालक के विरोध करने पर आरोपी ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया और उसे भी बुरी तरह से घायल कर दिया। दोनों घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि रिक्शा चालक का गंभीर अवस्था में इलाज किया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।